नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी सिंह है और आज से आपने मेरी कई वीडियोस देखी भी होंगी तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं अब से एसटी चैनल साथ जुड़ चुकी हूँ। तो हमारे साथ आज एसटी जी हैं कि आपने चैनल को ज्वाइन किया है और भी लड़कियां होंगी जो आगे इस फील्ड को और बड़ा करना है और उसके लिए हमें टीम की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आज भी हमारे पास टीम है लेकिन आप जैसे बॉलीवुड की न्यूज़ देंगी तो स्पोर्ट्स के न्यूज़ देने के लिए अलग होगा मसाला, कुछ डिफरेंट टाइप का सीरियल मसाला, या फिर मान लीजिए क्रिकेट का स्पेशलिस्ट हो या फिर, तो इस टाइप का कैटेगरीज हम लेकर आने वाले हैं। तहकीकात को और भी हम बेस्ट करेंगे, जो वायरल वीडियो होती है इस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। इसके लिए हमें काफ़ी टीम मेंबर की ज़रूरत होगी और जैसे आप जुड़ रही हैं बहुत लोगों का मेल मेरे पास आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला टाइम में एक अच्छा टीम और अच्छा कंटेंट हम दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को। जैसे कि आपने जाना कि एसटी जी ने खुद कहा है कि मैं खुद बॉलीवुड मसाला न्यूज़ दूंगी, जैसे कि अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि और भी हमारे साथ मेम्बर्स जुड़ सके। तो देखते हैं कि आज हमारे सर क्या कहना चाहेंगे। खुशी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप एसटी जी चैनल से ऑफिशियली आप जुड़ गई हैं। खुशी, आप एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप पहले से भी, आप अभी क्यों डिसाइड किया एसटी जी के चैनल में वर्क करने के लिए, पहले आपने क्यों नहीं सोचा? पहले शायद ये हो सकता था कि ये हमारी वीडियो से चल नहीं रही थी, ये सर की वीडियो से चल नहीं रही थी, लेकिन अब मैंने जैसे देखा कि इन्होंने कांग्रेस लीडर्स के साथ वीडियोस बनाई है, इन्होंने कांग्रेस से जुड़े हैं, ऑफिशियल वीडियोस बनाई है, इनकी वीडियोस अब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे आपने देखा होगा इनके चैनल सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं कैसे ज्वाइन नहीं करूँगी। यही चीज़ है खुशी, और आगे भी मैं टीम को यही भी कहना चाहूँगा कि अभी बहुत लोगों की मुझे ज़रूरत है। मैं आने वाला टाइम में आपको देखेंगे कि मेरी एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी, उस वेबसाइट पर आपको हिंदी न्यूज़ मिलेगी जैसे कि दैनिक जागरण मिलता है, ये सारे तमाम न्यूज़ है, लेकिन उस पर हमारी एकदम, उसके लिए मुझे टाइप राइटिंग यानी करने वाला, जो टाइपिंग करने वाला प्रॉपर हिंदी, वैसे में गूगल से नहीं ट्रांसलेट करना है। कुछ लोग का आदत है कि यार इंग्लिश टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, मुझे वैसे लोग को ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रॉपर हिंदी चाहिए। अब वैसे में वो लोग तो और भी चाहिए कि अपना कम टाइम में कितना एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, उसमें एक चीज़ मुझे और कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी कि कंटेंट का क्या हेडिंग रखा जाए, कंटेंट को किस तरह से अपने ऑडियंस को समझाया जाए ईजी वे में, तो वहाँ भी कंटेंट राइटर की भी ज़रूरत होने वाली है। कैमरामैन तो है हमारे पास, बाकी मेंबर हैं, लेकिन और भी ज़रूरत है, इसलिए कि हर लोकेशन पे जाकर शूट करना ये आसान बात नहीं है। इसके लिए हम अपनी टीम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा कि आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पास टीम है, टीम को बुक दी जाती है कि बुक के ऊपर वो रिसर्च करती है कि राइट्स क्या हैं। अगर मान लीजिए कोई तहकीकात में न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ तो तहकीकात के पूरी इन्फॉर्मेशन उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं, सारा चीज़ के क्या राइट्स हैं, फिर हम वो चीज़ें आप तक लाकर लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मत सोचिए कि ये कहीं कॉपी पेस्ट है, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। हमारी टीम है और टीम हमें इनपुट देती है और उसी के बिहाव पर हम आप तक न्यूज़ लेकर आने की कोशिश करते हैं। और आगे से मेरा ये प्रॉमिस है एस टी जी का कि एकदम आगे से और बेस्ट किया जाएगा यूट्यूब पे, और यूजर को वो बात जरूर पसंद में आएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यानी हमारी जनता ये जानना चाहती है कि एसटीजी इनका एक खुद का ऑफिशियल वीडियो चैनल है, क्या आगे चलकर ये चैनल बरकरार रहेगा या फिर फैमिली के कोई प्रॉब्लम्स आ गई, जानते हैं कि इनके आगे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आगे चलकर उनकी कामयाबी डगमगाने लगती है, तो क्या आप बरकरार रखेंगे चैनल? बिल्कुल, जब टीम जुड़ती है तो मैं रहूं या ना रहूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी टीम के लोग मेंबर हैं तो उस टीम को ऑब्वियसली इस चैनल को आगे एक्सटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो मैं सामने हूं, अभी मैं पूरी एफर्ट्स लगा रहा हूं, ऑडियंस का प्यार हमारे तक है, तो ऑब्वियसली आगे चलकर अच्छा करेंगे। और इसीलिए तो टीम बनाई जा रही है कि कल को मेरे को कुछ बीमारी हो गई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो काम तो करना ही है ना। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर न्यूज़ चैनल में लोग एंकर का तबीयत ख़राब होता है तो न्यूज़ तो आती है ना, तो टीम तो इसीलिए बनाई जाती है कि टीम अगर चलो एक का प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा उस समय उस वक्त को क्या कर लेगा, संभाल लेगा। तो ये सारे चीज़ हम करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस आने वाला टाइम में ऑडियंस को हम देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे कि जॉब एम्प्लॉयज़ को देख लो कि मतलब उनको जॉब्स ज़्यादा ऑफर होती हैं, अच्छी जॉब ऑफर होती है तो पुरानी जॉब को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मीडिया वाले ऑफ़र करते हैं अपने कोई रिपोर्टर्स के लिए, तो क्या आप इसे ऑफिशियल वीडियो को छोड़ देंगे?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं जनता के कई बार मेरे पास कमेंट आया कि आपका जो चैनल है बिल्कुल अब न्यूज़ की तरह दिखने लगा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके तरह से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं ऑब्वियसली जाकर कहीं ना कहीं कंपनी ज्वाइन कर लिया होता। मेरा ड्रीम यही है कि मैं जो ऐसे चैनल खोलना चाहता हूँ कि जो सच्चाई की जीत हो, जनता की जीत हो। आज हम टीवी देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस का चैनल है, ये बीजेपी के चैनल हैं, तो ये सब चीज़ों से मैं हटकर मैं एक साफ़ सुथरा न्यूज़ ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और इसमें मैं अपनी पूरी एफर्ट्स लगाता हूं, क्योंकि एसटीजी एक जीरो से उठा हुआ बंदा है, इसलिए जो भी न्यूज़ देगा ना ये बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले इनवाइट करते हैं तो मैं कैमरे में आता हूं, आपने देखा होगा इंटरव्यू लेते हुए, लेकिन ऐसा भी आप देखेंगे कि बीजेपी वाले को भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को इन लोगों के बीच जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक इनके अंदर क्या चल रही है मैं नहीं पता कर पाऊँगा। तो मेरी टीम तो इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके बीच जाता हूँ, इनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली क्या सोचते हैं, और इसकी सच्चाई आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। कोई मैं फेवर किसी चैनल किसी भी पार्टी को मैं एसटीजी चैनल नहीं करता है, सिर्फ एंड सिर्फ बुलाते हैं तो हम जाते हैं वहाँ पर न्यूज़ कवरेज करने के लिए, जो वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं वही हम जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस वीडियो में आप भी कमेंट देंगे, आपका भी क्वेश्चंस होता है, तो ऑब्वियसली हम करेंगे इस पर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया फेक न्यूज़ देती है और किसी का फेवर करती किसी नेता का? देखिए, मैं नहीं कह रहा, जनता के इस टाइप से थॉट बन गया है। आज आप ठीक है, फेसबुक पर आप उठा कर देखिए, ऐसे आते हैं कि ये बीजेपी का चैनल है, ये कांग्रेस का चैनल है। मेरे को ये लगता है कि जनता ये चीज़ों से भ्रमित हो रही है, उसको लग रहा है कि हम उस पर जाएंगे तो बीजेपी की न्यूज़ मिलेगी, यहाँ पर जाएंगे तो बीजेपी के अगेंस्ट में न्यूज़ मिलेगी। न्यूज़ नहीं मसाला बेच रहा है आजकल, हम मसाला नहीं बेचना चाहते हैं, हम न्यूज़ बेचना चाह रहे हैं। ऑडियंस के बीच सच्चाई जानी चाहिए, कि इसलिए कि देश का सबसे बड़ा जनता है, लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा भागीदारी होती है, जनता के पास सच्चाई जानी चाहिए, और उसके लिए ही आजकल हम YouTube पर आए हुए हैं, और ऐसे ही क्रिएटर्स को ज़रूरत भी है आगे देश को, क्योंकि यही लोग सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि आप चैनल में देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं की फंडिंग लगी है, तो नेता के जिसका पैसा लगा है उसका बुराई वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है कि भाई जब नेता ही ये पैसा लगा है तो जो उनकी बुराई वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारा चैनल में हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारी टीम है, तो हम उसकी तरह काम करेंगे। तो मीडिया में अभी जाने का कोई वैसा इरादा नहीं है, हाँ, लेकिन इसको ज़रूर हमें है कि अपना ही चैनल को बनाकर इसको एक बड़े लेवल पर प्रमोट कर दिया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीजी के साथ हम ये अलविदा कहना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है कमेंट देने के लिए कि हमारी वीडियो अच्छी नहीं है या आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के दे सकते हैं नीचे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच खुशी जी, आज हमने आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।